Hello everyone, I am Shagupta and welcome to my channel Zaika. Here I am sharing different recipes with you. If you like my recipes, please hit the bell icon and subscribe my channel. So let's get started. आज हम लोग बनाएंगे साबूदाने की खीर. इसके लिए मैंने 8 से 10 कटे हुए काजू लिए हैं, इलायची पाउडर, 8 से 10 हमने यहाँ पर बादाम लिए हैं, इन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है, पिस्ता लेंगे, पिस्ते का यूज़ हम यहाँ पर गार्निशिंग के लिए करेंगे, साबूदाना यहाँ पर लिया है, साबूदाने को हमने आधे घंटे के लिए दूध में भिगो कर रख दिया था, एक कप चीनी और हाफ लीटर दूध। सबसे पहले पैन में दूध डालेंगे, याद रखें जो भी बर्तन लें वो हैवी बॉटम का होना चाहिए जिससे दूध हिलाते वक्त नीचे लगे नहीं। इसे हमें लगातार उबाल आने तक हिलाना है। दूध में अब उबाल आ चुका है, अब हम इसमें साबूदाना डालेंगे। हमने साबूदाने को आधे घंटे के लिए दूध में भिगोया था जिससे साबूदाना दूध अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर ले। इससे खीर बहुत ही टेस्टी और क्रीमी बनती है। अब अच्छी तरह मिलाएंगे। देखिए साबूदाने थोड़े थोड़े गलने लगे हैं। इन्हें हम 5 मिनट स्लो फ्लेम पर और पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कम या ज्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह मिलाएंगे। अब इसमें कटे हुए बादाम और काजू डालेंगे। और अच्छी तरह मिलाएंगे। इन्हें ढककर 5 से 8 मिनट तक और पकाएंगे ताकि हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स भी साबूदाने के साथ अच्छी तरह पक जाएं। देखिए ड्राई फ्रूट्स और साबूदाना अच्छी तरह से गल गए हैं। करेंगे। आप चाहें तो इसमें दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं।